अगर अभी तक आपने हमारी वीडियोस को देखा होगा आपको मालूम होगा इससे पहले यूएई के आखिरी के 6 में से 5 मैच मैंने आपको यूएई के हर मैच में पैसे जिताए हुए हैं, यानी कि काफ़ी सही समय चल रहा है। सारे के सारे यूएई के मैचेस हमारे काफ़ी गजब के जा रहे हैं। आज एक बार फिर से अबू धाबी और दुबई के बीच में होने वाले मैच को कवर करेंगे। यहाँ पर मैं आपको 2 से 3 ऐसे रिस्की प्लेयर के बारे में बताऊँगा जो कि आपको जिताने वाले हैं। ड्रीम इलेवन पर अगर आप भी पैसे कमाने आए थे और यहाँ पर आके आपका लॉस हो रहा है तो यूएई की वो सीरीज है जिस आप आसानी से अपना लॉस कवर कर सकते हो। हर 3 में से 2 मैच हम काफी अच्छे पैसे जीत रहे हैं, वो भी आसानी से। आज एक बार फिर से वही कोशिश करूंगा। बस अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो, नए आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। यूएई के ज्यादातर मैचेस की वीडियोस आपको इस चैनल के ऊपर फ्री में मिल जा रही है। और अगर आप मेरे खुद की फैंटेसी टीम से पैसे लगाने का सोच रहे हो तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन होना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स में फ्री में पिन किया हुआ लिंक मिल जाएगा। ना मिले तो सीधे सीधे कमेंट करके पूछ लेना, उसका भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आगे वाले यूएई हो गया, बीपीएल हो गया, ऑस्ट्रेलिया वाला मैच हो गया, सारे मैचेस की फाइनल टीम आपको इसी चैनल को मिल रही है। सबसे पहले ये जो मैच है, मुझे लगता है ना कि जो भी टीम यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करेगी उसकी टीम के जीतने के चांस ज़्यादा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दुबई की टीम के जीतने के चांस ज़्यादा रहने वाले। दुबई के प्लेयर्स को हम पूरा का पूरा फोकस करके टीम बनाने की कोशिश करने वाले हैं। चाहे आप इनके बॉलर्स को देखो, चाहे आप इनके बल्लेबाजों को चेक करो, अगर आप दुबई के बल्लेबाजों को थोड़ा सा मजबूत कर दो ना, अगर दुबई की बल्लेबाजी थोड़ी सी और अच्छी हो जाए तो दुबई की टीम ये मैच आसानी से जीतने वाली नजर आएगी। ये जो मैच हो रहा है ये आपको अबू धाबी के वेन्यू के ऊपर हो रहा है। यहाँ पर स्पिनर गेम में काफी ज्यादा रह रहे हैं, यहाँ पर स्पिनर हमेशा ही गेम में रह रहे हैं। आखिरी के 5 मैच में यहाँ पे 34 जो विकेट मिला है वो स्पिनर को मिला है, 35 जो विकेट मिला है वो पेसर्स को मिला है, यानी कि स्पिनर गेम में पूरी तरीके से रह रहे हैं। तो स्पिनर आपके लिए वो प्लेयर रहेंगे जो कि आपको जिताने वाले, स्पिनर को लेकर के चलना जरूर से। अब यहाँ पे सबसे पहले कीपिंग सेक्शन में आपके लिए 2 अच्छे प्लेयर रहेंगे, जिसमें नाम एम पीपर का है, जिसमें नाम सैम बिलिंग का है, जिसमें नाम टॉम पेंटन का है। मैंने बेन डंक को इसलिए नहीं रखा है क्योंकि इसका बल्लेबाजी क्रम नंबर 7 के करीब भेजा गया है। मैंने जो क्लार्क को इसीलिए नहीं रखा है क्योंकि जो क्लार्क का बल्लेबाजी क्रम मेनली ओपनर है, लेकिन इस समय ये बल्लेबाजी में नंबर 3 पे आ रहा है। ही तो मिसाई वाला प्लेयर है, इस वेन्यू के ऊपर ज़्यादातर मैचेस में ये फ्लॉपी हुआ है। अभी के लिए मैं इसके ऊपर रिस्क लेकर के नहीं चल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अबू धाबी की टीम मैच हारने वाली है। अभी के लिए मैं ऐसे सैम बिलिंग और एम पीपर को ही लेकर के चल रहा हूँ। सैम बिलिंग बल्लेबाजी भी नंबर 4 पे आ रहा है, कीपिंग से आपको वो पॉइंट्स भी दिला रहा है, यानी कि कैच हो गया, रन आउट हो गया, स्टंपिंग हो गया, ये सब के भी फ्री के पॉइंट्स मिल रहे हैं। एम पीपर जो कि बल्लेबाजी में ओपनर आ रहा है और एक ऐसा प्लेयर है जो कि दिमाग से खेलने वाला प्लेयर है, तेजी से कोई रन बनाने के चक्कर में अपना विकेट थ्रो करके नहीं भी जाता है और आखिरी वाले मैच में बहुत बुरा फ्लॉप भी हुआ है। तो यही रीजन है कि मैं एम पीपर को लेकर के जरूर से चलूंगा। टॉम बेंटन जो कि बल्लेबाजी में ओपनर आ रहा है, लेकिन इस समय एक ऐसा प्लेयर है जो कि तेजी से रन बनाने को जा रहा है और यहाँ पर रन बनाना कोई इतना आसान नहीं है। और जो भी प्लेयर हिट और मिस वाले होंगे, वो अगर ऐसे हिट और मिस वाले 10 प्लेयर है तो उनमें से 6 प्लेयर तो ऐसा कंफर्म है कि बहुत बुरा फ्लॉप होने वाले हैं। 2 प्लेयर होंगे जो कि एवरेज जाएंगे और 2 प्लेयर होंगे जो कि अच्छा करके आपको दे सकते हैं, वो भी जरूरी नहीं है। तो यही रीजन है कि मैंने ना ही अपनी टीम में टॉम पेंटन को अभी लिया हुआ है और ना ही जॉक क्लार्क को लिया हुआ। अगर आपको टॉम पेंटन को लेना भी है तो तभी लेना जब दुबई की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है, जब पहले बल्लेबाजी कर रही है वहाँ पे कभी भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर चेज है वहाँ पर लेकर के नहीं चलूंगा। बल्लेबाजी ऑप्शन आपके लिए 2 अच्छे प्लेयर रहेंगे, जिसमें नाम जेसन रॉय और एल डुप्लॉय करेगा। मैंने एल इवांस को इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसका बल्लेबाजी क्रम भी काफ़ी नीचे है और ये भी वही प्लेयर है जो कि तेजी से रन बनाने वाला प्लेयर है, लंबे लंबे छक्के मार वाला प्लेयर है। वैसे भी यहां पर स्पिनर गेम में काफी अच्छा हावी रहेंगे और एल इवांस जो है स्पिनर पे कोई इतना मजबूत प्लेयर है नहीं। ए सराफू को ना लेने का एक ही रीजन है कि काफी छोटे देश का प्लेयर है, यहां पे कितने मैच में रन बना पाएगा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मिनी जीएल और मेगा जीएल की रिस्की टीम बना रहे हो और अगर मान लो कि अबू धाबी की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है, वहां पे आप एल इवांस और ए सराफू ये दोनों में से किसी एक को लेकर के जरूर से चलना, दोनों में से कोई एक आपको अच्छा करके दे सकता है।
लेकिन मैंने एल डुप्लॉय को इसीलिए लिया हुआ है क्योंकि हालिया दिन में आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका T20 की एक सीरीज चल रही थी, वहां पे एल डुप्लॉय ने हर मैच में गजब की बल्लेबाजी किया हुआ है, यानी कि एल डुप्लॉय काफी अच्छे फॉर्म में है। अब बल्लेबाजी भी नंबर 3 पे आ जा रहा है, पहले वाले मैच से सही रन भी बनाया हुआ है, कभी भी आपको अच्छे खासे रन बना करके दे सकता है, भले ही छोटे देश का प्लेयर है लेकिन यहाँ पर कभी भी आपको रन बना करके दे सकता है क्योंकि काफी अच्छे फॉर्म में। मैं आपको मेनली कहूंगा एल डुप्लॉय और मैक्स होल्डन, ये दोनों में से आपको किसी एक को लेकर के चलना है, ए सराफू और एल इवांस, ये दोनों में से आपको किसी एक को लेकर के चलना है। अगर आपने यहाँ पे सही से रिस्क ले लिया तो आप आसानी से मिनी जीएल और मेगा जीएल में अच्छे पैसे कमा पाओगे, यानी कि अगर आप ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो आप वहाँ पे अच्छे, अगर आप भी जीएल में पैसे लगा रहे हो, अगर आप भी ग्रैंड लीग में पैसे लगा रहे हो वहाँ पे आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, क्योंकि जीएल यानी कि ग्रैंड लीग में पैसे कमाना वही आसान है जो अपने दिमाग से काम ले, यानी कि हर मैच अलग अलग टीम बनाए। अगर आप पहले मैच जो कर रहे हो वही दूसरे वाले मैच में भी करो तो दो में से किसी एक मैच में आपको अच्छे पैसे मिल जाएंगे। मैक्स होल्डन मेनली तभी लेकर के चलेंगे जब दुबई की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है, वैसे भी ये जो मैच है ये अबू धाबी में होने वाला है, इसी वेन्यू के ऊपर होल्डन ने एक ही मैच खेला है जहां पर इसने 51 रन बनाया हुआ है, यानी कि होल्डन इस वाले स्टेडियम के ऊपर अच्छे रन बना करके आपको दे सकता है क्योंकि इसको मालूम है कि इस वेन्यू के ऊपर कैसे खेलना है इसको मालूम है, आप इसको लेकर के चल सकते हो। अभी के लिए मैं यहाँ पे सिकंदर रजा को लेकर के चल रहा हूँ जो कि बल्लेबाजी में तो रन बना ही बना रहा है, बॉलिंग से भी ओवर कर रहा है। इमाद वसीम को भी लेकर के चल रहा हूँ, सेम वही बल्लेबाजी में भी रन बना रहा है, बॉलिंग से भी ओवर कर रहा है। डेविड विले क्योंकि नई बॉल से बॉल कर रहा है, शुरू के ओवर्स में बॉल कर रहा है, बॉल एक्स्ट्रा सीम होगी, बॉल एक्स्ट्रा बाउंस होगी, वहाँ पे डेविड विले काफ़ी अच्छा स्विंग सीम पा रहा है, तो शुरू के ओवर्स में कभी भी सामने वाली टीम को मैच अपने दम को हरा सकता है, तो मैं डेविड विले को लेकर के जरूर से चलूँगा। सनाका बल्लेबाजी में भी काफी नीचे आ रहा है, नंबर 7 पे आ रहा है, बॉलिंग से ओवर कर ही नहीं रहा है, तो अभी के लिए किसी भी काम का प्लेयर नहीं है। बॉलर्स आपके लिए सबसे जरूरी रहेंगे, तो कौन सी टीम के बॉलर यहाँ पे आपको जिताएंगे यहीं पे मैं अपना रिस्क लूंगा। वो एक प्लेयर है जिसके ऊपर मैं अपना रिस्क लेने का मन बना चुका हूं, उसके बारे में आके आपको बताऊंगा कि मैंने इसके ऊपर रिस्क लेने का क्यों सोचा है। उससे पहले अगर आप इसी मैच मेरे फैंटेसी टीम से पैसे लगाने का सोच रहे हो ना, तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन होना पड़ेगा जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स में फ्री में पिन किया हुआ लिंक मिल जाएगा, वहां पे फ्री में ज्वाइन कर लेना। आगे आने वाले यूएई के हर एक मैच की फाइनल टीम आपको इसी चैनल को मिल जाएगी, चाहे मैं वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं फाइनल टीम आपको दूंगा, क्योंकि इस वाले सीरीज में हमने काफी पैसे कमाए हैं। तो यहां पे ज्वाइन होकर के रख लो, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन होना आपके लिए जरूरी है, आसान और एकदम फ्री है, फ्री की चीज को बिल्कुल ही मिस मत करना। चलो वापस आओ, सबसे पहले इनके मेन बॉलर हो गए स्क्वाड कुगलेन हो गया 4 ओवर पूरा करेगा, ओली सोन हो गया 4 ओवर पूरा करेगा, हैदर अली हो गया 4 ओवर पूरा करेगा, यहाँ से राजा अकीबुल्ला खान हो गया ज़्यादातर मौक़ों पे आपको 2 ओवर बॉल करके दे रहा है, जहूर खान हो गया ज़्यादातर मौक़ों पे 2 से 3 ओवर बॉल कर रहा है, यहाँ से सिकंदर रजा हो गया ज़्यादातर मौक़ों पे आपको 3 ओवर के करीब बॉल करके देने वाला प्लेयर है। तो ये इनके मेनली बॉलर्स रहेंगे जो कि अपने पूरे ओवर करेंगे, तो मैंने हैदर अली के ऊपर रिस्क लिया है क्योंकि मुझे लगता है कि दुबई की टीम मैच जीतने वाली है, और हैदर अली एक ऐसा स्पिनर बॉलर है जो कि भले ही छोटे देश का, मतलब भले ही एक ऐसा प्लेयर है जिसको चांस कम मिल रहा है लेकिन हमेशा ही आपको परफॉर्म करके दे रहा है हमेशा, और इसी वेन्यू के ऊपर शेख जैयद स्टेडियम के ऊपर इसने एक ही मैच खेला है जहाँ पे इसको 3 विकेट भी मिला हुआ है आखिरी वाले मैच में। तो अगर दुबई की टीम मैच वापस से जीत रही है वहाँ पे हैदर अली आपको वापस से अच्छा परफॉर्म करके दे सकता है, तो इसी स्टेडियम को और गजब की बॉल करके आया हुआ है, मैं वापस से इसको अपनी टीम में लेकर के चल रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि दुबई की टीम ही ये मैच जीतने भी वाली है अगर इसको चार ओवर पूरा मिलेंगे वहाँ पे अच्छी बॉल करके देगा, क्योंकि यहाँ पे स्पिनर गेम में रह रहे हैं और जीतने वाली टीम के हमने 4 मेन बॉलर्स को लिया हुआ है अपनी टीम में जिनका मिला करके 15 ओवर के करीब बॉल कंफर्म है, और हमने ज्यादा से ज्यादा ओवर इनके कवर कर रखे हैं। वही सामने अगर आप अबू धाबी की टीम को चेक करोगे, जोशुआ लिटिल हो गया, सुनील नारायण हो गया, अली खान हो गया, है ना, अली खान मैंने आपसे बोला था कि अगर अबू धाबी की टीम पहले बॉल करेगी वहां पर आप लेकर के चल सकते हो, और आखिरी वाले मैच काफी अच्छे हमने पैसे भी कमाए थे। वापस से वही कहूंगा,
कि अगर अबू धाबी की टीम पहले बॉल करिए अली खान को आप लेकर के चल लेना, क्योंकि ये आपको आखिरी कोर्स में बॉल कर रहे हैं, जैसे कि 20वां ओवर हो गया, 18वां ओवर हो गया, 16वां ओवर हो गया, तीन ही ओवर बॉल कर रहे हैं, लेकिन जो भी ओवर कर रहा है वो आखिरी में ही बॉल कर रहा है, वहाँ पे इसको फ्री के विकेट मिल रहे हैं। तो अगर अबू धाबी की टीम पहले बॉल करिए वहाँ पे अली खान को लेकर के चलेंगे, अगर अबू धाबी की टीम सेकेंड बॉल करिए वहाँ पे अली खान को बिल्कुल भी लेकर के नहीं चलेंगे। यानी कि जोशुआ लिटिल सेम वही है, दो ओवर शुरू में कर रहा है, दो ओवर आखिरी में कर रहा है, कई बार इसके ओवर भी कम किए जा रहे हैं, अभी के लिए मैं इसको लेकर के चल ले रहा हूँ। लेकिन मेनली मैं आपको कहूँगा कि इस वेन्यू के ऊपर, इस स्टेडियम के ऊपर स्पिनर गेम में रहेंगे तो मेनली आपको अली खान, सुनील नारायण और जोशुआ लिटिल में से किसी एक ही बॉलर को लेकर के चलना है, क्योंकि इनकी टीम के दो मेन बॉलर्स को हमने पहले ही अपनी टीम में ले रखा है। अभी के लिए मैं जोशुआ लिटिल को लेकर के चल रहा हूँ। अगर मेरा मन करेगा, अगर मान लो कि अबू धाबी की टीम पहले बॉल करिए तो अली खान को लेकर के चल सकते हो, अबू धाबी की टीम अगर सेकंड बॉल करिए वहाँ पे सुनील नारायण को लेकर के चल सकते हो। अभी के लिए मैं यहाँ पे सिकंदर रजा को कैप और इमाद वसीम को वीसी लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों ही ऐसे प्लेयर है जो कि बल्लेबाजी में तो रन बना ही बना सकते हैं, बॉलर भी कहीं से खराब नहीं है, दोनों बॉलिंग से भी आपको तीन तीन चार चार ओवर पूरा करके देने वाले हैं। हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी मैच की फाइनल टीम चाहिए जो कि टॉस होने के बाद ही मिलेगी, तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन होना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स से फ्री में पिन किया हुआ लिंक मिल जाएगा, वहीं पे मैं अपनी फाइनल टीम आपको भेज दूंगा, तो ज्वाइन करके रख लो। हमारे चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा फ्री में, तो ज्वाइन करके रख लो, वहीं पे अपनी फाइनल टीम आपको भेजने वाला हूं।